हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। गाइस, माय नेम इज हसन नासिर एंड टुडेज वीडियो टाइटल इज पाक मीडिया शॉक्ड, इमरान खान ने बैंड टीएलपी के आगे टेके घुटने। सो गाइस, आपको पता है कि रिसेंटली आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो धरना है वो बहुत ज़्यादा अरूज पर पहुँचा हुआ है। टीएलपी एक जमात है जो कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ, पाकिस्तानी प्रेसिडेंट इमरान खान के खिलाफ खड़ी हुई है और वो इस्लामाबाद की तरफ रवान गवाह हैं। और उसी तरह उसी साइड इसके साथ साथ जो सिनेरियो ये चल रहा है कि काफ़ी हाथापाई हो रही है और ये भी देखने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट एक पेज पर नहीं है टीएलपी के साथ। और रिसेंटली इमरान खान की जमात पीटीआई ने उनको कलादम करार दिया है, उनकी जमात को लिस्ट से ही निकाल दिया, जिसकी वजह से वो और आग बगोला हो गए और ख़िलाफ़ हो गए अपने प्रेसिडेंट पीटीआई के ख़िलाफ़। तो इस बारे में जो पाकिस्तानी मीडिया वो क्या कहना चाहता है वो तो वीडियो में जाकर पता चलेगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया हमारे वीडियो को, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें और अब से डेली इंशाल्लाह वीडियोज़ आपके सामने आया करेंगी। तो हमेशा काउंटिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। सो 3 2 1 स्टार्ट। एक दफा फिर से रियासत ने घुटने टेक दिए हैं, ऐसा जबरदस्त सरेंडर किया गया है, लेट लेट के बैठ बैठ के सरेंडर किया गया है टीएलपी के सामने। वो धरना जिसका आगाज कुछ दिन पहले हुआ था, ये किसका कसूर है कि ऐसे चीजें होते हैं इस मुल्क में? शेख रशीद और फवाद चौधरी की तरह इनके मुंह में बवासीर नहीं है कि जो आए बकते चले जाएं। एफएटीएफ जरा पढ़ तो लें, एफएटीएफ कहता क्या है? वो ये कह रहा है कि आपका सरमाया गैर महफूज हाथों में है, आपके यहाँ टेरर फंडिंग हो रही है, टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, लिहाजा आप तो जी टेरर एक रोग स्टेट है, आप तो एक टेरर स्टेट है, यही है ना जो हम भुगत रहे हैं वहां पर। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ लीजिए क्या है, ये सारे हालात जो सड़कों पर मुजारे हुए हैं उससे पूरी दुनिया में हमारा जो इमेज गया है वो हमारी बर्बादी और तबाही की बुनियाद है। आपको कैसा पता है कि क्या कंडीशंस हैं? क्या आप पढ़ लिए हैं वो कंडीशंस? वैसे तो आप सही कह रहे हैं, मौजदा तो सीक्रेट है। अगर इस फितने को, अगर इस मामले को फौरी सेटल ना किया गया तो हम ट्यूनिस बनेंगे, हम लीबिया बनेंगे। मेरे बयान को अंडर एस्टिमेट ना करें, डोंट थ्रो इट। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। पाकिस्तान में इमरान खान सरकार ने आखिरकार तहरीके लबैक पाकिस्तान के आगे घुटने टेक दिए और इमरान खान टीएलपी के आगे पूरी तरह से लेट गया। रिपोर्ट के अनुसार इमरान खान सरकार और प्रतिबंधित टीएलपी लंबी बातचीत के बाद एक समझौते पर पहुंच गए। टीएलपी ने सरकार के सामने झुकने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से विरोध प्रदर्शन में तेजी आ गई थी और आखिरकार इमरान खान सरकार को तहरीके लबैक पाकिस्तान के आगे झुकना ही पड़ा। इन दोनों के बीच एक समझौता हुआ, लेकिन हैरानी की बात यह है कि टीएलपी और इमरान खान सरकार के बीच हुए समझौते को पूर्ण रूप से गुप्त रखा गया। किसी को भी पाकिस्तान में इस समझौते की जानकारी नहीं है। इस पर पाकिस्तान मीडिया बहुत हैरान दिखाई दे रहा है। टीएलपी फ्रांसीसी राजदूत को देश से निकालने की बात पर अभी भी अड़ी हुई। जब आपने देखा है वो एक जा रहे हैं बुजुर्ग, उनके हाथ में एक सील लिफाफा है जो मोरें लगी हैं, सुर्ख रंग की नहीं, लाख की मोर लगी होती, वो कैरी कर रहे हैं कि उसमें तो नहीं आया मुआहदा बना बनाया कहीं? देखिए, मैं ना बड़ा पुरोमित था, हमारे चैनल ने ब्रेक की खबर कल रात को, बहुत टेंशन थी, इसके बावजूद हमने कोशिश की कि लोगों को रिलीफ मिले, हमने उन तक खबर पहुंचाई, लेकिन अब जूं जूं उसकी तफसीलात सामने आ रही हैं एक अजीबोगरीब किस्म की कैफियत जो है वो मुझ पर तो ख़ास तौर से तारी है। ऐसा कौन सा मुआहदा है, कोई इसराइल के साथ हो गया, कोई इंडिया के साथ हो गया, जिसको रिवील करने के लिए एक हफ्ता चाहिए? मुझे तो इस बात पर बहुत हैरत है। लोग जानना चाहते हैं भाई कि हुकूमत की रिट को इतना बड़ा चैलेंज था, जैसे हुकूमत ने खुद कहा जो मुजाहिरीन थे वो नामूस रिसालत के लिए बाहर निकले हुए थे, मुजाहरे कर रहे थे, इसमें छुपाने वाला एलिमेंट क्या है? सरप्राइजिंगली जो अभी बुखारी साहब बात कर रहे थे कि क्या ऐसी शिकें रख दी गई हैं कि जिसको बताने में आप हिचकिचा रहे हैं, मशकूक बना रहे हैं सारे मुआहदे को? मशकूक बनाने के अलावा क्या वो आईन और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहे हैं, एक बात। दूसरी, क्या वो जो शिकें रखी गई हैं कि वो पाकिस्तान को एज ए रियासत चैलेंज कर रही हैं, दो बात। तीसरी, क्या वो ऐसी शिकें रख दी गई हैं
कि जिसमें जो मेरा कंसर्न था कल, जो मैंने अपने शो में बात की थी कि आज तो आप तय कर ही लेंगे, मुस्तकबिल में जब कोई भी उठ के हुकूमत को ब्लैकमेल करेगा तो उसकी रिट को कौन स्टैब्लिश करेगा, क्या वो भी आपने इंश्योर नहीं किया? पांचवी चीज जो मैं समझता हूं कि अवामुन्नास जो लोग शहीद हुए हैं दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से, और जो अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया उनके बारे में कोई चीज छुपाई गई है? सो इट इज, ये बात छुपाने में आपने इतनी कहानियां छोड़ दी हैं और एक और कहानी बीच में डाल दी कि मीडिया इस पर बात ना करे, दूसरी मीडिया अगर बात करे तो पॉजिटिव बात करे। ओ भाई आप हमें कुछ देंगे तो हम बात करेंगे ना। जो मेरा अब अपने मिनिस्टर इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन ये है कि आपने 10 ट्वीट्स डाले थे, आपने ट्वीट क्या डाला था? टीएलपी फसाद। अब हम टीएलपी को क्या समझे? अब आज हम टीएलपी को कल अदम कहें, फसाद कहें, इंडियन समझाने के लिए हमने वक्त दिया। इसमें देखने की चीज बड़ी इंपॉर्टेंट क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है? इस प्राइम मिनिस्टर साहब को यह रियलाइज करना चाहिए, कर रहे हैं रियलाइज की हुकूमत ने जो करके नई कमेटी बना दी है यार। एक सेकंड खान साहब, कि वो पॉलिटिकली कितने इमेच्योर हैं एक, और दूसरा उनमें सेंस क्या है बात करने की, यू नो मुस्तकबिल में सोच ही नहीं, अपनी जो मुंह से निकालेंगे कल को वो लेना पड़ेगा। भाई प्राइम मिनिस्टर ने कहा था मैं ब्लैकमेल नहीं हूंगा, नहीं हुआ ब्लैकमेल। हां तो पर एक सारे पास कौन कहता नहीं हुआ? नहीं एक मिनट, सबको गद्दार कहकर मोहब्बतन भी तो आप ही करार दे रहे हैं। मुजाकरात करने वालों ने कहा यहां दो ये फलां फेडरल मिनिस्टर नहीं होंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उठा दिया, कौन कहता ब्लैकमेल नहीं हुए? देखिए ये इस वक्त क्या पोजीशन काफी गंभीर नहीं होगी, ये जो पॉइंट रेज किया अभी इन्होंने, ये जो पॉइंट रेज कर रहे हैं बिल्कुल है। देखिए जिस किस्म की ये सियासत इस वक्त हो रही है, की जा रही है, एफएटीएफ जरा पढ़ तो लें, एफएटीएफ कहता क्या है? वो ये कह रहा है कि आपका सरमाया गैर महफूज हाथों में है, आपके यहाँ टेरर फंडिंग हो रही है, टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, लिहाजा आप तो जी एक रोग स्टेट है, आप तो टेरर स्टेट है, यही है ना जो हम भुगत रहे हैं वहां पर। सर जी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ लीजिए क्या है, ये सारे हालात जो सड़कों पर मुजारे हुए हैं उससे पूरी दुनिया में हमारा जो इमेज गया है वो हमारी बर्बादी और तबाही की बुनियाद है। और बात अगर आप मुझे कह लेने दें, इस पूरी सूरत हाल पर जिससे हम दो चार थे, इंतहाई जिम्मेदार हलकों की तरफ से ये आया कि अगर इस फितने को, अगर इस मामले को फौरी सेटल ना किया गया तो हम ट्यूनिस बनेंगे, हम लीबिया बनेंगे। मेरे बयान को अंडर एस्टिमेट ना करें, डोंट थ्रो इट। सेम टू सेम सब कुछ वही हुआ जिसकी तरफ मैंने इशारा किया था। ऐसा जबरदस्त सरेंडर किया गया है, लेट लेट के बैठ बैठ के सरेंडर किया गया है टीएलपी के सामने। वो धरना जिसका आगाज कुछ दिन पहले हुआ था, वो कहते हैं ना कि वो एक बोला जाता है पंजाबी में मुहावरा कि सज्जी दिखा के खब्बी मारना या फिर खब्बी दिखा के सज्जी मारना, यानी इसको कहते हैं कि आपने दाई को नहीं किसी को मारनी हो तो आप जो है उसको दिखाते ये हैं कि आप बाई तरफ से हमला कर रहे हैं लेकिन दरअसल आप अटैक किसी और तरफ से कर रहे होते हैं। सीधा लोग हैं, इन्हें अपनी जबानों बयान पर कंट्रोल है, शेख रशीद और फवाद चौधरी की तरह इनके मुंह में बवासीर नहीं है कि जो आए बकते चले जाएं और जिसको चाहें मुल्क का गद्दार करार दे दें। मुफ्ती मुनीम ने जो कहा वो भी आपने सुन लिया। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो मीटिंग से फवाद चौधरी को निकाला गया उसकी वजह ये थी कि मुफ्ती मुनीम उस जो थे उस इस सारे मामले में मौजूद थे। आप समझते हैं ये कोई विन विन सिचुएशन है या फिर आप समझते हैं कि एक दफा फिर से रियासत ने घुटने टेक दिए? जरूर बाज़ लोग या बाज़ हलके या बाज़ जो अनासिर हैं उनकी ये ख्वाहिश हो सकती थी या शायद थी कि जनाब इससे मामला बिगड़े, मजीद खून रेजी हो, लोग मजीद लोगों की जाने जाएं, लेकिन उस तरह से कभी भी चीजें हल नहीं होती। आपको कैसा पता है कि क्या कंडीशंस हैं? क्या आप पढ़ ली हैं वो कंडीशंस? वैसे तो आप सही कह रहे हैं, मौजदा तो सीक्रेट है लेकिन जो खबरें आई हैं सामने जराए से वो तो ये बता रही हैं। मगर आप तो ऐसे कह रही हैं कि अभी पढ़ के आई हैं। फाइनली मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि ये किसका कसूर है कि ऐसे चीजें होते हैं इस मुल्क में। सो गाइज आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर वीडियो होती है ख़त्म, तो हमने देख लिया कि इमरान खान ने कैसे घुटने टेके हैं टीएलपी जमात जो पाकिस्तान की है इस्लामिक जमात है, वहाँ एक मतलब होता है ना जैसे इंडिया में हिंदुइज्म में पंडित जो है वो एक
उनको ज़्यादा प्रेज़ किया जाता है, प्रायोरिटी दी जाती है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर मौलवी हज़रात को भी प्रायोरिटी दी जाती है। तो उनके ख़िलाफ़ इनका सबसे पहले मैं बात करूँगा कि FATF के जो उनका उन्होंने जो समरी भेजी है, किस वजह से उनको ग्रे लिस्ट, पाकिस्तान को मतलब ब्लैक लिस्ट की जानब धकेला जा रहा है। बिकॉज पाकिस्तान के जो फंडिंग की जा रही है पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक की तरफ से या जितने भी बैंक्स हैं, एशियन बैंक वगैरह, वो पाकिस्तान के ऐसे लोगों के पास फंडिंग जा रही है जो कि गैर महफूज है। वो मतलब उस फंडिंग को यूटिलाइज़ नहीं कर रहे इकॉनमी के अंदर, पाकिस्तान की इकॉनमी में कोई उसका उस पैसों का अहम किरदार नहीं हो रहा, जिस वजह से वो पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं ओबवियस बात है। और वो गैर अनासिर लोगों के पास वो गलत हाथों में वो पैसे जा रहे हैं, उसका कोई इस्तेमाल नहीं किया जा रहा पाकिस्तान की बेनिफिशियल पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। सो आवाम के लिए तो नहीं किया जा रहा। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये इन्होंने बात की। दूसरा वो कह रहे हैं कि वो जो पैसा आ रहा है उसको गलत एक्टिविटीज़ के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि आपको वीडियो में बुखारी साहब ने बड़ी डेप्थ में जाकर उन्होंने बताया। फिर उसके बाद ये जो TLP और हुकूमत PTI के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ है वो बहुत सीक्रेट हुआ है, उसको कोई भी रिलीज़ नहीं किया गया, किसी न्यूज़ चैनल पर नहीं रिलीज़ किया गया। उसके साथ साथ किसी भी बंदे को जो कमेटी के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ है, जो पता नहीं एग्रीमेंट सही भी हुआ है, हिकमत अमली तक पहुँचा है, फाइनल ये हुआ है एग्रीमेंट के नहीं, और ये समझ से बालतर है। बिकॉज TLP जो है वो ऐसा ही तो एग्रीमेंट में कोई अपने तरफ से प्रिंसिपल्स पेश नहीं करेगी जो कि पाकिस्तान के फ्यूचर के ख़िलाफ़ हो, पाकिस्तान की बेनिफिट पाकिस्तान को ना मिले। वो ऐसे ही होंगे कि यार एक पेज पर आने के लिए दोनों को मतलब एक हाथ से ताली तो नहीं बजती ना, दोनों हाथों से ताली बजती है। तो वो उनके जो एग्रीमेंट में उन्होंने बोला होगा कि हमें ये चीज़ें चाहिए, तो आई डोंट नो कि क्यों मतलब PTI इस चीज़ को सीक्रेट रख रही है। और जैसे कि बुखारी साहब ने कहा कि यार ये जो चीज़ है अगर ऐसे ही धरने जारी रहे तो ये मतलब जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उस वो ट्यूशन वाला लीबिया वाला हाल ना हो जाए हमारे पाकिस्तान का भी, और इसको कह रहे हैं कि सीरियस लेना चाहिए। उसके साथ हमें एक दो बातें और भी नज़र आई मुफ्ती मुनीब रहमान की, मुझे बात बड़ी पसंद आई है कि आप सो के उठकर या ऐसे मतलब रैंडम किसी को ये नहीं कह सकते कि वो ये जमात इलीगल है, ये बंदा ये इलीगल है। उसके लिए आपको अथेंटिक रीज़न देना पड़ता है कि यार इस वजह से इसको इलीगल करार दिया जा रहा है। देखें अगर PTI की हिस्ट्री भी देखी जाए तो इन्होंने भी जब हुकूमत के खिलाफ खड़े हुए तो इन्होंने एहतजाज किए, रिकॉर्ड कराया और इस्लामाबाद में धरना भी दिया था 120 दिनों का, और इनको याद होगा। तो अगर ये बड़े महज़ब अंदाज में अगर धरना देना चाह रहे हैं इस्लामाबाद आकर, तो आप क्यों उनको धकेल रहे, क्यों उनको जोरावर कर रहे हैं? देखो ना, उन पर प्रेशर डाला जा रहा है, उनको कलदम फर्स्ट ऑफ ऑल करार दिया है, उसके बाद उनको मारा पीटा जा रहा है मौलवी हजरात को, TLP जमात को, जिसकी वजह से वो इश्तआल अंगेज़ हो रहे हैं, इस वजह से वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए हर्ट कर रहे हैं पुलिस वालों को। तो ये चीज़ समझ से बाहर है और ये पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए ऑब्वियस सी बात अच्छी नहीं। और अगर मुआहदा करना है तो भाई करो, पहले आप लोगों ने देखो बड़ी अच्छी बात की, आप लेट कर भी सरेंडर कर रहे हो, बैठ कर भी सरेंडर कर रहे हो, वोकली भी सरेंडर करने की कोशिश कर रहे हो। भाई अभी तो हफ्ता नहीं हुआ ना, अभी दो हफ्ते जो पीक पर गया ना इनका जो काम है TLP का, अभी इतना अरसा नहीं हुआ, आप पहले ही हार मान गए। और उसके बाद जो आपका एग्रीमेंट हुआ है, जो साइन आपकी तरफ से हुआ है कि यार ये हमारा एग्रीमेंट हुआ है और अभी ये दोबारा वापस चल जाएगी, तो आपने इसको सीक्रेट क्यों रखा है? ये बड़ी बेहतरीन बात की गई है। और इमरान खान सही बात है, घुटने टेके हैं PTI जमात ने। सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अभी मेरे पेपर ख़त्म हुए हैं, अमाल लतीफ़ के पेपर जारी हैं, स्केड्यूल बहुत बिजी था, बट इंशाल्लाह आपसे वीडियोस रेगुलर आया करेंगी। तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना रखिए ख्याल, टेक केयर, बाय बाय।